वैक्सीनेशन पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एमपी में नकली वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि गुजरात में भी नकली वैक्सीनेशन हो रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नकली लगाए गए हैं, छत्तीसगढ़ को केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है। वहीं यूपी के वैक्सीनेशन पर भी सीएम बघेल ने सवाल खड़े किए। तो आपको जानकारी दे दें, एमपी, गुजरात और यूपी, ये तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इन राज्यों पर बड़ा आरोप लगाया है। कहना है कि एमपी में नकली वैक्सीनेशन हो रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नकली लगाए गए हैं। वहीं यूपी के वैक्सीनेशन पर भी सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ को केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है, जितने डोज मिले उतने लगाए गए। अपने जितना वैक्सीन दिया हमने लगा लिया, छत्तीसगढ़ में 87 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हमने लगा लिया प्रथम डोज के, दूसरे डोज भी 17 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं, 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन हम लगा चुके हैं। अब आप देंगे ही नहीं वैक्सीन तो हम लगाएंगे किसको? मध्य प्रदेश जैसे नकली या गुजरात जैसे नकली तो नहीं लगा सकते, जैसे वहाँ रेमडेसिविर नकली हो रहा है, वैक्सीनेशन भी नकली हो रहा है, फिर काकटेल भी हो रहा है यूपी में, तो वो काम तो आप वैक्सीन दीजिए, हम नहीं लगाएंगे तब हम पे दोष मढ़िए। इधर छत्तीसगढ़ ने केंद्र से एक मुश्त वैक्सीन की मांग की है। हर महीने ऑल आउट होने वाले कोटे को अलग अलग दिन देने के बजाय छत्तीसगढ़ ने इसे एक साथ देने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में पहल करने की मांग करते हुए कहा कि अलग अलग दिन किश्तों में वैक्सीन आने की वजह से जिलों में बार बार टीकों को भेजने का परिवहन खर्च और वैक्सीन पहुंचने का समय भी ज्यादा लग रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को अलॉटेड 19 लाख वैक्सीन का कोटा एक साथ महीने में किसी भी दिन दे दिया जाए ताकि वैक्सीनेशन अभियान बिना रुके चलता रहे और कोटा भी पूरा हो जाए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी बात करना चाह रहा था कि देखिए वैक्सीन उपलब्ध उतनी हो नहीं पा रही। अब देखिएगा तो डेली एवरेज वैक्सीनेशन का 35 लाख 38 लाख इसके आसपास है, तो जब वैक्सीन नहीं है उस स्थिति में अगर छत्तीसगढ़ को 19 लाख वैक्सीन आपको देनी है तो किस्तों में छोटे छोटे टुकड़ों में मत दीजिए। पहले बात और थी कि संख्या हेल्थ वर्कर को लगाना है, फ्रंटलाइन वर्कर को लगाना है, तो तुलनात्मक उनकी संख्या बहुत कम थी। जो भी देना है आप 1 तारीख को मत दीजिए, 2 तारीख को मत दीजिए, 3 तारीख को मत दीजिए, हमको 10 तारीख को दे दीजिए। 10 को भी नहीं आप चाहें तो हमको 15 तारीख को, 20 तारीख को दे दीजिए, लेकिन महीने का कोटा एक साथ दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाए जाने पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि हर्षवर्धन क्या करते जब देश में वैक्सीन नहीं बन रही है, तो वो ठीक रहा, उनके सर पर फूटा होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन देश के एक बहुत क्षमतावान स्वास्थ्य मंत्री थे, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। तो ये बयान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री का पद अब मनसुख मंडाविया को दिया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पद से हटा दिया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान दिया। सकता है ये तो प्रधानमंत्री जी का, उनके विशेषज्ञ का, सलाहकारों का निर्णय है। वैसे हर्षवर्धन जी बहुत माने हुए देश के उच्चतम कोटि के विशेषज्ञ डॉक्टर माने जाते हैं, जिनका अद्वितीय योगदान पल्स पोलियो प्रोग्राम में भी रहा। और हर्षवर्धन जी क्या करते अगर देश में वैक्सीन नहीं बन रही? हर्षवर्धन जी को तो वैक्सीन बनाना नहीं था, वैक्सीन बनाने की नीति तो देश की सरकार के कर्णधारों के हाथ में थी, तो वो ठीकरा अगर इनके सिर पे फूटा हो तो मैं नहीं जानता। इधर रायपुर में पद्म पुरस्कारों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज भरे अंदाज में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ को शराब बिक्री में नंबर 1 बनाया है। दरअसल पद्म पुरस्कार को लेकर नामित किए जाने का यह दौर जारी है। अब ऐसे में इस तरीके के कटाक्ष से शराब बिक्री को लेकर भाजपा कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। से वर्ष बीतता है तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मान के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा
दी जाती है और केंद्र सरकार उसको मंगाता है। मैंने तो पहले भी कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से डॉक्टर रमन सिंह जी को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो उनकी मेहनत से शराब की नदियां बहाई गईं, वो पूरे 15 साल में बाकी कुछ काम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरा शराब के मैं करने में, शराब में डुबोने में अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार का योगदान है। इसलिए मैंने कहा था पद्म पुरस्कारों के लिए उनका नाम अनुशंसा किया जाना चाहिए। तो पद्म पुरस्कार पर जुबानी जंग तेज हो गई है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। पद्म पुरस्कार पर रविंद्र चौबे के बयान पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की सरकार से बीजेपी की नीति अच्छी थी, घर घर शराब नहीं बिकती थी, अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार मिलना ही चाहिए और प्रदेश सरकार को जनता सबक सिखाएगी, वो पुरस्कार के लायक नहीं है। निश्चित रूप से जो कांग्रेस की सरकार है उससे तो अच्छी नीति थी। उस समय कम से कम कोचिए तो शराब नहीं बेचते थे, आज तो घर घर में शराब बिक रही है। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को तो मेरा कहना कि आने वाले समय पर जनता जो है वो सबक सिखाएगी, ये पुरस्कार के लायक नहीं है। जो लातों के देवता वो बातों से नहीं मानते। और आगे बढ़ते आपको बता दें, महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार को घेरेगी। 14 जुलाई को प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी साइकिल रैली निकालेंगे जिसमें मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। महंगाई को लेकर राजीव भवन में ये पीसी होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। महंगाई को मुद्दा बनाया है और महंगाई को लेकर साइकिल रैली कांग्रेस निकालेगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल और तेज होने वाला है। लगातार प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस इस मसले को लेकर जनता के बीच जाने वाली है और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा कदम उठाया है कि वो साइकिल यात्रा भी निकालेंगे। मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही समझते हैं। महंगाई आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप लोग लगातार इस अभियान को चलाए हुए हैं, आगे क्या होने वाला है, किस तरीके की योजनाएं आप लोग? बेतहाशा महंगाई के विरोध में हम लोग लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 कल प्रेस वार्ता होगी, हमारे दूसरे प्रदेशों के राष्ट्रीय नेता कल आकर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और 14 तारीख हम 5 किलोमीटर साइकिल यात्रा करेंगे और हर ब्लॉक मुख्यालय में, जिलों में साइकिल के माध्यम से साइकिल चला के प्रदर्शन होगा और 17 तारीख को पदयात्रा के माध्यम से कलेक्टर को हम ज्ञापन सौंपेंगे और केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि महंगाई कम करे, जिससे आम जनता परेशान है, आम उपभोक्ता परेशान है, महंगाई कम होनी चाहिए, ये हम निवेदन केंद्र सरकार से करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका कहना है कि महंगाई के मुद्दों को लेकर जनता तक जाएंगे और इसीलिए कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि साइकिल यात्रा है, फिर पद यात्रा भी। इस तरीके से कांग्रेस ने महंगाई को एक अभियान के रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाई हुई है। कैमरामैन मोहन राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। और छत्तीसगढ़ एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में है। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने 14 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखा रही है, देखिए रिपोर्ट। हाय हाय ये महंगाई, जनता अब तंग आई, सियासत ले रही अंगड़ाई, धान किसान और वैक्सीनेशन पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली कांग्रेस अब महंगाई पर दो दो हाथ करने जा रही है। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के नेता साइकिल की सवारी करते दिखेंगे। 14 जुलाई को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से लेकर जिलों के प्रदेश अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष साइकिल पर सवार होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उधर 13 जुलाई से बस ऑपरेटर्स ने बसों के पहिए जाम करने का भी ऐलान किया है। बस यातायात संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा, इससे करीब 12,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रदेश के करीब 5,00,000 लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। ये सरकार का सुनना कहना 100% गलत है, क्योंकि आज बेचारा जो गांव से कोई भी बाइक लेके आता है उसको 100 रुपए का पेट्रोल लगता है। अगर वो बस चलेगी तो वो 20 रुपए में अपना सफर करेगा, उसके पॉकेट में 80 रुपए बचेगा।
जिस दिन किराया, फिर बाकी सभी राज्यों में किराया वृद्धि हो चुकी है, उन लोगों ने किराया वृद्धि क्यों किया? सिर्फ यही सोच के किया कि ज्यादा यात्रियों के ऊपर लोड ना पड़े, तो सरकार को किराया तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के आंदोलन और बस एसोसिएशन की मांग पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, जो पार्टी सरकार में होती है उसको आंदोलन करने का कोई हक नहीं होता है, उस पार्टी को आंदोलन की जगह समाधान निकालना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों को आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तो जनता की सेवा करने के लिए जनता ने चुना है। क्योंकि वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें असफल हो रहे हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। उनको पहले बस ऑपरेटर की हड़ताल के बारे में सोचना चाहिए, उनकी हड़ताल को समाप्त कराने के बजाय खुद हड़ताल कर रहे हैं, तो ये तो कोई असफल लोग ही होते हैं। जब किसी बात में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो वो इस प्रकार की गतिविधि करते हैं। पहले अपनी पार्टी, अपने गिरिबान में वो झांक के देखें और उनको सलाह दें, चिट्ठी लिखने की हिम्मत क्यों नहीं? केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री जी को आग्रह भी करने से ये डरते हैं, आखिर ये किस तरीके से अपना पार्टी चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पहले सलाह वो अपनी पार्टी में दें, उसके बाद किसी और को सलाह देने की बात वो सोचे। तेल पर राजनीति नई बात नहीं है। जब केंद्र में बीजेपी विपक्ष में थी तब आए दिन महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया करती थी और तब महंगाई कम करने को लेकर बड़े बड़े दावे भी होते थे। लेकिन पिछले 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और देश में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ ये भी सही है कि छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश की अपेक्षा। अब ये मुद्दा प्रदेश कांग्रेस उठाती है तो बीजेपी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आंदोलन करने का अधिकार जैसा बीजेपी को है वैसा ही कांग्रेस को है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और महंगाई ने बस्तर के आदिवासियों की कमर तोड़ कर रख दी है। लोगों का घर चलाना भी दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। बस्तर में पेट्रोल डीजल की कीमत शतक लगा चुकी है। ऐसे में अब लोगों को जिम्मेदारों से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। महंगाई की मार, जनता में हाहाकार, पेट्रोल डीजल की कीमत शतक के पार, जनता की सुनो सरकार। छत्तीसगढ़ में महंगाई आसमान छू रही है, क्या शहरी इलाके क्या ग्रामीण इलाके, हर जगह महंगाई ने लोगों की जेब ढीली कर दी। बस्तर में पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चला है। सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में पड़ा जहां का व्यापार खासतौर पर सड़क से जुड़ा है। यहां रोजमर्रा की चीजों की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। सब्जी से लेकर किराना का सामान के लिए लोगों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजार में भी लोग मजबूरन ज्यादा कीमत में खरीदारी कर रहे हैं। लोगों की माने तो अब घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है। पहले कोरोना की मार, अब दिन ब दिन लगातार महंगाई बढ़ रही है। इससे जो गरीब आदमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं। इसके कारण सब्जी भाजी, अनाज, ये सब के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इन पे लगाम लगानी चाहिए। पेट्रोल बढ़ रहा है, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है। कुछ भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है, काम करे कि ना करे। पहले ऐसा था, भले काम नहीं हो हम जाके उस जगह देख सकते थे, लेकिन अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि जाने के बाद लगता है काम नहीं होगा तो जाएंगे, उसका खर्चा कौन देगा। अब खर्चा इतना हो गया है और महंगाई इतनी बढ़ गई, बुरा हाल हो गया। कोरोना आया तब भी बुरा हाल हो गया, अब तो बुरा ही हाल है। 100 का डाला पता ही नहीं चलता कब पेट्रोल डाला है, कब निकला। और एक ओर कोरोना की मार, दूसरी ओर महंगाई ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी। व्यापारियों की माने तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़क के रास्ते ही माल की आवाजाही होती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दूसरी चीजों की कीमत में भी उछाल आया है। जिस प्रकार लगातार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, निश्चित रूप से उसके कारण यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का मूल्य बढ़ा है। क्योंकि परिवहन का साधन जो बाहर से माल आता है, ट्रकों द्वारा आता है, इसके कारण इस चीज़ के मूल्य बढ़ा है। और यहाँ पे मुख्य व्यवसाय बाजार हाटों में होता है, जिसके कारण व्यापारियों को हर दिन बाजार घूम घूम के माल बेचना पड़ता है, जिसके कारण प्रतिदिन इसकी लागत भी बढ़ती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इसका फायदा जनता को होगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार सियासत से इतर महंगाई पर अंकुश लगाएं, ताकि जनता को महंगाई से
कुछ राहत मिल सके। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और रायपुर में यातायात महासंघ ने किराए बढ़ाने समेत दो सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश व्यापारी ने धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं 14 जुलाई को यातायात महासंघ ने जल समाधि लेने का भी निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ आज एक बार फिर से हड़ताल पर बैठा हुआ है। मांगे दो सूत्री इनकी मांगे हैं, जिसको लेकर पहले भी ये प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या मांगे आज आप हैं जो इसको लेकर बैठे हैं आप? मांगे सिर्फ सरकार से हमारी दो ही हैं, हमारा किराया बढ़ा दिया जाए, क्योंकि डीजल का रेट जो था वो 60 रुपये था, आज 97 रुपये हो गया है। हमारी बसों का संचालन हम कर नहीं पा रहे हैं, आय से भी कहीं कई गुना ज़्यादा हमारे खर्चे हैं। सरकार नज़रअंदाज कर रही है, हम लगातार दो महीने से प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे 29 जिले में, बट सरकार क्यों नहीं सुन रही, हमारे समझ से बाहर है। सरकार का एक तर्क यहाँ पर है कि अगर वो किराया बढ़ाती है तो पब्लिक पे दबाव बढ़ेगा। ये सरकार का सुनना कहना 100% गलत है, क्योंकि आज बेचारा जो गांव से कोई भी बाइक लेके आता है उसको 100 रुपये का पेट्रोल लगता है, अगर वो बस चलेगी तो वो 20 रुपये में अपना सफर करेगा, उसके पॉकेट में 80 रुपये बचेगा। जिस दिन किराया, फिर बाकी सभी राज्यों में किराया वृद्धि हो चुकी है, उन लोगों ने किराया वृद्धि क्यों किया, सिर्फ यही सोच के किया कि ज़्यादा यात्रियों के ऊपर लोड ना पड़े। आज अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आ गया? हमारा तो वैसे भी चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, और जिस प्रकार से महासमुंद में एक बस ऑपरेटर ने सुसाइड कर लिया, तो आज नहीं रहेगा तो आदमी जीविकोपार्जन के लिए क्या करेगा, आखिर उसके अलावा उसके पास रास्ता क्या है? तो जल समाधि का निर्णय लोगों ने लिया है, लेकिन सरकार को इन संवेदनशील मामलों में आगे आकर के तत्काल इसका निराकरण और निर्णय करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं बस यातायात महासंघ के लोग, उनका कहना आज मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का लोग ही, और उसके बाद जल समाधि लेने का भी निर्णय उन्होंने लिया है। उनका कहना है कि आधा भार वो वहन करे, आधा जनता करे, उस हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। उत्तर प्रदेश के चमोली में 1973 में हुए चिपको आंदोलन की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं। चिपको आंदोलन की तर्ज पर बालोद में पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों ने कैंपेन शुरू किया है। दरअसल देहान से तरोत तक बनने वाले बाईपास के लिए करीब 2900 पेड़ों की बलि दी जाएगी, और इसकी जानकारी जब पर्यावरण प्रेमियों को लगी तो दर्जनों लोगों ने पेड़ों से चिपक कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये अभियान लगातार चलता रहेगा, जिसमें युवतियां आकर पेड़ों पे राखी बांधेंगी। ये जो वृक्ष देख रहे हैं, दयान से तरोत तक 2900 वृक्षों की बलि होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि पेड़ कटाई ना हो, शासन प्रशासन दूसरा विकल्प लाए इसके लिए। अभी हमें शुद्ध वायु चाहिए जीने के लिए। इसी तारतम्य में हम रोज अभियान करेंगे, हमारी बहनें आएंगी, इस पेड़ों में राखी बांधेंगी, और अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार ये बिल्कुल सोचती नहीं है, जिस समय भी वो विकास चाहती है तो अपने हिसाब से जैसे भी पेड़ को कटाई कर देती है, या किसी भी तरह के बिना सोचे समझे एक डिसीजन ले लेती है। हम इसका विरोध करते हैं, और हम इसीलिए फेसबुक में और ट्विटर में #सेव रैहान फॉरेस्ट का एक कैंपेन चालू कर रहे हैं। इस पे आप लोग सब सहयोग कीजिए हमारा। इधर बीजापुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। हत्या कर शव को कुट्टू से 5 किलोमीटर दूर फेंका गया। भैरमगढ़ ब्लॉक के कुट्टू थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया और शव को कुट्टू से 5 किलोमीटर दूर फेंका गया है। एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इधर नारायणपुर में दो महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी उदय किरण के सामने महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि आदेश जन मिलिशिया सदस्य में रहकर ये महिलाएं काम कर रही थी, जिन्होंने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर ये महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और आम धारा में लौटने की एक पहल की है। गरियाबंद में युवक ने धारदार हथियार से बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग का सिर लेकर
ये आरोपी युवक गांव में घूमता रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छुरा थाना क्षेत्र के घोट पानी की घटना बताई जा रही है, जहां एक सिरफिरे युवक ने बुजुर्ग की हत्या की और उसके बाद युवक बुजुर्ग का सर लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, जिसे देखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद में एक महिला की हत्या की आशंका के चलते दफन शव को 52 दिन बाद निकाला गया और दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मामला सूर्यगांव थाना क्षेत्र के मुठखुसरा गांव का है, जहां एक महिला गामिंता साहू की 20 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद 21 मई को पोस्टमार्टम कर शव को जलाने के बजाय दफनाया गया था। लेकिन मृतका के मायके पक्ष वालों को आशंका थी कि उसकी हत्या हुई है। इसको लेकर मृतका की मां ने फिर से पोस्टमार्टम कर जांच के लिए आवेदन दिया और अब 52 दिन बाद शव को निकाल कर फिर से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के परिजनों द्वारा शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने हेतु आवेदन दिया था, उनको कुछ मृत्यु को लेकर संदेह है। उस आधार पर SDM डोंडी लोहारा द्वारा तहसीलदार देवरी को इसके लिए नियुक्त किया गया था और आज शव खत्म करके शव को मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा गया है, जहां दोबारा पोस्टमार्टम होगा। परिजनों को जो पूर्व में पोस्टमार्टम हुआ था उस पर संदेह है, इस आधार पर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने निवेदन किया है और इस आधार पर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा गया। जांजगीर चांपा में सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। हाइवा वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर हाइवा छोड़कर फरार हो गया, पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि हाइवा बर्रा से चांपा की ओर जा रही थी। बर्रा थाना क्षेत्र के तालदेवरी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई।